कल्लू धोबी अपने गधे से पूरे दिन काम करवाकर भरपेट खाना देने के बजाय उसे चरने के लिए खेत में छोड़ देता था। एक दिन गधा सोचता है, अरे जब पूरा दिन काम करके खेत में ही चरना है तो कल्लू धोबी के यहाँ काम करके क्या फायदा, क्यों ना मैं किसी जंगल में निकल जाऊँ, वहाँ मुफ्त का चारा खाऊंगा और काम भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ, और जंगल पहुँच जाता है तो ये देखकर हैरान रह जाता है कि जंगल के जानवर यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। वो भागते हुए खरगोश को रोककर पूछता है, अरे क्या हुआ खरगोश भाई, ये सब लोग भाग क्यों रहे हैं? पड़ोसी जंगल का बब्बर शेर हमारे शेर राजा से लड़ने आ गया है। लड़ने के बाद जब दोनों थक जाएंगे, भूखे हो जाएंगे, तो आज तो जंगल के जानवरों की खैर नहीं, पता नहीं किस किस को मार कर खा जाए। ओहो, तब तो मैं गलत टाइम पर आ गया, मुझे वापस भाग जाना चाहिए। गधे, तुम सचमुच गधे हो? वहाँ कहाँ भाग रहे हो? उसी तरफ से तो वो दुश्मन शेर आ रहा है, अगर तुम्हें देख लिया तो सबसे पहले तुम्हें ही शिकार बनाएगा। अरे तो मैं कहाँ छिपूं? मैं तुम पेड़ के छोटे से कोह में घुस जाऊंगा, तुम इतने बड़े हो, शेर से कैसे बचोगे, तुम ही सोच लो। लगता है आज मेरी मौत निश्चित है, इससे तो अपने मालिक कल्लू के यहाँ अच्छा था। ओह, तो ये ही पड़ोसी जंगल का शेर है। चलो, अच्छा हुआ मर गया। हाँ, अब कुछ दिन हम बेखौफ होकर जिएंगे तो सही। क्या करूँ, अगर अभी मैं जंगल से बाहर की तरफ भाग जाऊंगा तो जीतने वाला शेर मुझे मार सकता है, और अगर जंगल में रहूंगा तो लकड़बग्घे, सियार, चीते जैसे जानवर मुझे मार सकते हैं। क्या करूं, कैसे बचूं? अरे हाँ, शेर तो मर गया है, क्यों ना मैं इसकी खाल उतार कर ओढ़ लूं, लोग समझेंगे मैं शेर हूँ, कोई मेरे पास नहीं आएगा और मेरी जान बच जाएगी। हाँ, अब मैं लग रहा हूँ पूरा शेर। अरे भूख भी लग रही है, क्या करूँ? वो रहा, हरे घास का मैदान। हाँ, गधा घास के मैदान में पहुँच कर चरने लगता है। चरता चरता वो काफी आगे निकल जाता है, तभी उसे अपने आसपास कुछ आहट महसूस होती है। वो घबराकर सर उठाकर देखता है तो घबरा जाता है। उसे कुछ दूरी पर खरगोश, नीलगाय, हिरन, जिराफ, हाथी, बंदर खड़े उसे डरे सहमे से देख रहे हैं। उसे इस तरह से देखते देख बंदर हिम्मत करके कहता है, शेरराज आप घास खा रहे हैं? हाँ, आज से मैंने सोचा मैं सिर्फ वेज ही खाऊंगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, पर ऐसा अचानक परिवर्तन क्यों शेरराज? तुम्हारे जंगल का शेर मर गया पर तुम लोगों को जरा भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि वो तुम लोगों को मार खाता था, इसीलिए मैंने सोचा कि आज से मैं भी तुम लोगों की तरह ही सिर्फ वेज ही खाऊंगा, तुम लोगों का दोस्त बनकर रहूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। आप सच कह रहे हैं शेरराज? और नहीं तो क्या, आज से कभी भी तुम लोग मुझे मांसवास खाते देखना तो बोलना। अगर ऐसी बात है शेरराज, तो आपको हरे भरे मैदान तक आने की जरूरत नहीं है, हम खुद आपको हरी हरी घास, मीठे मीठे फल दे जाया करेंगे। अगर आप हमारे लिए नॉन वेज खाना छोड़ सकते हैं, तो क्या हम आपके लिए इतना नहीं कर सकते? जंगल का शेर तो मारा जा चुका है, ये लोग मुझे शेर समझकर मेरी सेवा करना चाहते हैं, तो सेवा करवाने में क्या बुराई है? मैंने भी तो कल्लू धोबी की बहुत सेवा की है, फिर भी क्या मिला था? यहाँ तो बैठे बैठे हरा चारा और मीठे फल खाने को मिलेंगे, आज से मैं ही इस जंगल का राजा हूँ। और शेर बना गधा शेर की खाली पड़ी गुफा में अपना अड्डा लगा देता है। अब रोज उसके लिए हरे हरे घास और मीठे फल आने लगते हैं। वो खूब छक्कर खाता है और सोचता है, वाह,
मेरा कल्लू धोबी के यहाँ से चले आने का डिसीजन बिल्कुल सही था। अब तो जिंदगी भर मजा ही मजा है, मुफ्त का खाओ और जंगल पर राज करो। अरे बाप रे, ये तो वही शेर है जिसने इस जंगल के राजा को मारा था। क्यों बे गधे? बाप रे, इसने तो मुझे पहचान लिया, अब मेरी खैर नहीं। गधा? गधा नहीं तो और क्या कहूँ। शेर जो घास फूस फल खाता है, मेरी नजर में वो गधा ही है। चारों तरफ तेरी चर्चा सुनकर तुझे देखने आया हूँ कि घास फल खाने वाला शेर कैसा दिखता है। एक बात बता, मैंने तो तुझे जान से मार दिया था, फिर तू जिंदा कैसे बच गया? मैंने झूठ मूठ मरने का नाटक किया था ताकि आप मुझे छोड़ दो। वैसे भी तुझे छोड़ ही देना चाहिए, शेरों के खानदान पर कलंक लगा रहा है तू। और ये क्या, आजकल लगता है नहाते भी नहीं हो, पेट पर मिट्टी लगी है। लाओ, मैं अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए इसे साफ कर देता हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं साफ कर लूंगा, वो घास चरते हुए लग गई होगी। हाँ, अभी नहाने जा ही रहा था कि आप आ गए। तो चलो दोनों साथ में नहाते हैं। अरे नहीं, आज नहाने का मूड नहीं है, मौसम ठंडा है, कल सवेरे नहाऊंगा। अगर आपको नहाना हो तो कंपनी के लिए कहो तो मैं आपके साथ चलूं। नहीं, आते हुए मैंने 4 शिकार किए थे, थक गया हूँ, थोड़ा आराम करूंगा, कल साथ में नहाने चलेंगे। अब अगर मैंने सही फैसला नहीं किया तो कल मेरी मौत निश्चित है। आप आराम करो, तब तक मैं थोड़ी घास खा के आता हूँ। हाँ। और वो चरने के बहाने चरते चरते चलते हुए जंगल के बॉर्डर पर पहुँचता है। सही सलामत जंगल के बॉर्डर पर पहुँच गया। अब शहर में घुसने से पहले शेर की खाल उतार कर रख देता हूँ। अरे मेरे प्यारे गधे, कहाँ चला गया था तू? इतने दिनों से मैं बोझ ढो ढो कर थक गया हूँ। मुझे पता चल गया है कि तू कितनी मेहनत करता है। आज से तेरे काम करके आते ही पहले तुझे भरपेट खाना खिलाऊंगा, फिर मैं खाऊंगा। मेरा प्यारा गधा वापस आ गया है। वाह, मैंने यहाँ से जाने का और जंगल से वापस यहाँ आने का दोनों ही फैसला बिल्कुल सही लिया था। अब मेरी तो जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। घने जंगल का राजा शेर बड़ा ही घमंडी था, वो जिसे भी देखता उसी का शिकार कर लेता। यहाँ तक कि वो तालाब पर पानी पीने जाता तो वहाँ पर तैरते हुए कछुओं को भी पकड़ लेता। उन्हें अपने कवच में घुसता देख घमंड से कहता, तू क्या समझता है, तू अपने कवच में घुस जाएगा तो मेरे पंजे से बच जाएगा, तुझे ऊपर से नहीं नीचे से फाड़ कर खाऊंगा। और उसने ऐसे कई कछुओं को अपना शिकार बना लिया था। इस बात से सारे कछुए परेशान थे, उसे तालाब पर पानी पीने आता देखकर डर जाते थे। आखिर एक दिन सभी ने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए मीटिंग की। अरे भाई, मैं खुद कल शेर के पंजे में आता आता बचा हूँ, तभी तो तुमने आज ये मीटिंग रखी है। कैसे भी हमें इस समस्या से छुटकारा पाना होगा। ये तो हम सभी सोच रहे हैं, पर कैसे छुटकारा पाए बस यही नहीं सोच पा रहे हैं। ये तो शेर राज से बात करने के बाद ही छुटकारा पाया जा सकता है। पर शेर से बात करेगा कौन? वो सुनने से पहले हमें चखने का मूड बना लिया तो बात करने से पहले हमारी बात खत्म। देखो, एक दिन तो मरना ही है, फिर अगर शेर के हाथों मर गए तो शेर के हाथों ही सही, पर अपने कछुए समाज को बचाने के लिए मैं शेर से बात जरूर करूंगा। और दूसरे दिन तालाब पर पानी पीने आया शेर उसकी बात सुनते ही भड़क जाता है। क्या बात करोगे? हाँ, क्या बात करोगे, मुझे समझाओगे? मुझे किसका शिकार करना है किसका नहीं, मुझे शेर राज को? पूरे जंगल पर राज चलता है मेरा, मुझसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं है किसी में, तुम मुझसे जबान लड़ाने आए हो? नहीं नहीं शेरराज,
मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि आपके डर से हम कछुए के बच्चे ठीक से तैरना नहीं सीख पा रहे हैं। आपको आता देखते ही वो भागकर तालाब में छिप जाते हैं। जो कमजोर होता है वो तो छिपता ही है ना। मुझे देखो, मैं कभी किसी को देखकर नहीं छुपता। आखिर जंगल का राजा हूँ मैं। माफ करना शेरराज, अगर आप जमीन के राजा हैं तो हम भी पानी के राजा हैं। तू और राजा। अरे राजा वो होता है जो जीतता है। बुरा मत मानना शेरराज जी, मगर आज तक आप जमीन के जानवर, हम पानी के जानवरों से कहां जीते हो। तुम्हारे जमीन पर तेज दौड़ने वाले खरगोश को रेस में हरा दिया था। खामोश खामोश। खरगोश के पूर्वज बेवकूफ थे जो रास्ते में सो गए थे। ऐसे बेवकूफ से जीतकर तुम क्या समझते हो, तुम हमसे भी जीत जाओगे? शेर से, वो भी रेस में? अगर इतना घमंड है तो मुझे हरा कर दिखाओ। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही जीत की बात पर कह रहा था। कहो मत, करो। चलो तुम पानी में दौड़ो, मैं जमीन पर दौड़ता हूँ। अगर हार गया तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा, और जीत गया तो रोज एक कछुआ तुम मुझे खिलाओगे। हाँ? क्यों, शर्त सुनते ही तुम्हारे पूर्वजों की जीत मिट्टी में मिल गई? ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। ठीक है तो हो जाए कल रेस, इस किनारे से नदी के उस किनारे तक जहाँ जंगल और नदी खत्म होती है। कछुए की मुंह से रेस और शर्त की बातें सुनकर बाकी कछुए टेंशन में आ जाते हैं। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? शेर से कौन जीत सकता है, वो भी रेस में? तूने ये शर्त मानी क्यों? हाँ, और तेरे कहने पर कौन कछुआ अपने आप को शेर के हवाले करेगा कि ले भाई अपनी शर्त के मुताबिक खा ले मुझे। वो तुम लोग जाने दो, क्योंकि शर्त हारते ही सबसे पहले मैं ही शेर करने वाला बनूंगा। बाद में तुम लोग मुकर जाना कि हमें तो उसने कुछ कहा ही नहीं था, पर एक बार रेस की कोशिश तो करें। अरे जब पता ही है कि हार जाएंगे तो कोशिश क्यों करें? अरे यार, बिना एग्जाम दिए ही रिजल्ट निकाल लेना कहाँ की समझदारी है। पर एग्जाम देंगे कैसे, रेस में भला शेर से कौन जीत सकता है? यही बात तो हमारे पूर्वजों ने खरगोश के बारे में भी कहा था, कौन जीत सकता है, पर जीत तो हो ही गई ना। अरे वो तो कछुआ सो गया था इसीलिए। तो शेर से भी कह देंगे, भाई थोड़ा कमर्शियल ब्रेक ले लो, सो जाओ। शट अप, चुप करो। तो फिर कैसे कोशिश करें? एक आइडिया है, हम सभी कछुए पानी से सिर्फ अपना सर बाहर निकालते हैं तो एक जैसा ही लगता है, पहचान में नहीं आता है कि पानी में से सिर निकालने वाला कछुआ मैं हूँ, तुम हो, ये है या कोई और। क्या मतलब? मेरा मतलब ध्यान से सुनो, शेर हमारी नदी के किनारे से दौड़ेगा, हम थोड़ी थोड़ी दूर के अंतर में नदी में छिप जाएंगे। जैसे ही शेर एक जगह से टन लेगा, वहाँ छिपा कछुआ अपना सिर निकालेगा। शेर देखते ही टेंशन में आ जाएगा कि मैं पानी में दौड़ता हुआ उसके साथ ही चल रहा हूँ, वो और भी तेज दौड़ेगा। कुछ आगे जाकर तुम छुपे रहना और अपना सिर बाहर निकालना। शेर समझेगा वो मैं हूँ, मैं उसके साथ ही दौड़ रहा हूँ, देख कर वो और भी टेंशन में आ जाएगा और दौड़ता हुआ वो फिनिशिंग लाइन पर पहुंचेगा, तो वहां मैं पहले से ही खड़ा रहूंगा। वो मुझे वहां खड़ा देखकर सोचेगा मैं रेस जीत गया, वो हार जाएगा और हम उसके सामने अपनी शर्त रख देंगे कि आज के बाद वो किसी भी कछुए को अपना शिकार नहीं बनाएगा। और दूसरे दिन शेर और कछुआ नदी किनारे रेस के लिए तैयार है। खरगोश नदी किनारे सीटी लिए खड़ा रेस स्टार्ट करने का इशारा देने को तैयार शेर से कहता है। शेरराज, हमारे पूर्वजों ने कछुए रेस में हमारे दौड़ की जो मिट्टी पलीत की थी उसकी इज्जत बचा लेना, कुछ भी हो जाए सोना मत। अरे डोंट वरी खरगोश भाई, ये पिद्दी से कछुए रेस में मेरे सामने कौन टिकेगा। ओके सो कछुए भाई, चलो रेस शुरू करते हैं। रेडी स्टेडी म
मुझसे दौड़ में जीतने चले हैं। अभी तो उसे आने में वक्त लगेगा, पर मैं खरगोश की तरह सोऊंगा नहीं, दौड़ता रहूंगा जब तक फिनिश लाइन तक ना पहुंच जाऊं। अरे ये तो यहाँ तक भी पहुंच गया। मैंने अपने आप से बात करने में थोड़ा टाइम वेस्ट कर दिया था, अब नहीं वेस्ट करूंगा। अब तो कछुआ पक्का दूर रह गया होगा। अरे इतनी जल्दी ये यहाँ भी पहुंच गया। अरे मेरे साथ साथ ये भी यहाँ तक पहुँच गया। हाँ? इस टुच्चे से कछुए की स्पीड मेरे जैसी कैसे हो गई? लगता है लोग सच कहते हैं, पानी में पानी के जानवरों के चलने की स्पीड काफी ज्यादा होती है। खैर फिनिशिंग लाइन ज्यादा दूर नहीं है, बस 12 छलांग में पहुँच जाऊंगा। ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मुझसे पहले यहाँ कैसे पहुँच गए? मेरे पूर्वज ने खरगोश से जमीन में रेस लगाई थी, इसीलिए धीरे धीरे चल रहे थे, पर मैं तो पानी में था और पानी में हमारे दौड़ने की स्पीड बढ़ जाती है, तो मैं शर्त जीत गया हूँ। विश्वास नहीं होता है, फिर भी विश्वास करना पड़ रहा है कि तुम जीत गए। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? यही कि आज के बाद आप शेर लोग नदी या तालाब में पानी पीने आना तो हम कछुओं को अपना शिकार मत बनाना। आप अपनी जमीन पर जिंदा खुश रहो, हमें हमारी तालाब नदी और उनके किनारों की जमीनों पर जिंदा रहने दो। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, आज के बाद मैं क्या, कोई भी शेर तुम कछुओं को परेशान नहीं करेगा। पर मेरी भी एक शर्त है, इस रेस का जिक्र किसी और जानवर से मत करना। ओके डन। इस तरह दोनों एक दूसरे की बात मानते हैं। शेर वहाँ से विदा लेता है। हाँ, अगर तुम लोगों ने थोड़ी थोड़ी दूरी पर नदी में छिपकर बार बार अपना सिर बाहर ना निकाला होता तो शेर को यकीन ही नहीं होता कि मैं रेस जीत गया हूँ। थैंक यू तुम सबका। थैंक यू हम सबका नहीं, आपका। आपके होशियार दिमाग ने न सिर्फ हमें रेस जिताया बाकी हमारे सभी साथियों की जिंदगी भी बचाई।